बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में 46 रन पर सिमटने के बाद टीम इंडिया से शायद ही किसी को वापसी की उम्मीद रही होगी, लेकिन अब सरफराज खान के शतक ने उम्मीद की लौ जगा दी है। सरफराज ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमाते हुए न्यूजीलैंड की नींद को उड़ाने का काम किया है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में भारत के खिलाफ 356 रन की बढ़त बनाई थी। सरफराज के शतक की बदौलत टीम इंडिया कीवियों की उस बड़ी बढ़त से अब उभरती हुई दिख रही है। सरफराज खान ने बेंगलुरु टेस्ट में 109 गेंद में अपना शतक पूरा किया। ये शतक उन्होंने 13 चौके और 3 छक्के की मदद से लगाया। सरफराज खान के टेस्ट करियर का ये पहला शतक है जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने अपने चौथे टेस्ट में लिखी है। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 3 अर्धशतक दर्ज थे। शतक पूरा करने के बाद उन्होंने शानदार जश्न मनाया। इस दौरान उन्हें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर से सम्मान भी मिला। दरअसल जब सरफराज खान ने अपना शतक पूरा किया तो टीम इंडिया के सभी प्लेयर ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर खड़े होकर ताली बजाते हुए नजर आए। उनके साथ यशस्वी जायसवाल और आर अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे भी कुछ खिलाड़ी नजर आए। यह बेशक कमाल का नजारा था। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बता दें कि सरफराज खान ने 110 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौके और 3 छक्के की मदद से अपनी सेंचुरी पूरी की। यह उनका पहला टेस्ट शतक था। पहली पारी में सरफराज खान 0 पर ही आउट हो गए थे। उन्हें मैट हेनरी ने डेवोन कॉनवे के हाथों आउट करा दिया था। लेकिन दूसरी पारी में सरफराज खान के शानदार शतक ने न केवल टीम इंडिया की राज बचाई बल्कि अपने आलोचकों के मुंह पर भी करारा तमाचा जड़ा है।